मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने इसको भी सूट कर लिया है और बहुत प्यारे लग रहे थे ये। हम और जितना पता नहीं क्या देख रहे थे, अरे नया वीडियो बना लिया है, कुछ देख रहे थे, किसी को ढूंढ रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे। बताओ मैं कितना अंतर है, राजा दशरथ मोहर लुटा रहे हैं, यहाँ तो विजय है जनक। साइड में ना LED स्क्रीन लगी थी तो साफ नहीं आ रही है। यहाँ भी वीडियो ना जो भीड़ में नहीं स्टेज तक देख पाते हैं तो ये अच्छी सुविधा थी, इस स्क्रीन पे देख सकते हैं जो भी कलाकार आए माननीय स्टेज में। मुझे बहुत अच्छा लगा माननीय जी आए। पहले तो मैं पहचान नहीं पाई सच में, मैं टीवी पे देखा करती थी इनको, तो काफ़ी देर में पहचान में आए कि ये माननीय अवस्थी जी ही हैं। से अच्छा दिखेगा, अच्छा सूट होगा, मम्मा चलो नहीं मान रही थी तो हम लोग ऊपर चले गए। आ रहे हमारे वीडियो बनाने में तो उस्ताद रहते हैं, बस कैमरे के सामने नहीं आएंगे बस वीडियो बनाएंगे। और ये मैंने पहली बार देखा है महोत्सव, बहुत अच्छा है, मैंने तो पहली बार देखा पूरा महोत्सव। और जितना मुझसे कह रही क्या तुम जल्दी चल पाती हो, पीछे ही रह गई हो। काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। और ये 27 जनवरी से आज 5 जनवरी है ना, तो आज तक लास्ट है, तो सुबह जितना का ब्लॉग गया था उसमें सारा उन्होंने दिखाया है, जितना हमसे हो सका उतना हमने दिखा पाए हैं, तो आज बस लास्ट है तो हम लोग गए। ब्लॉग शूट हो जाएगा, चलो घूम के भी आते हैं, अच्छा लगता है कि शहर में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, घर के एकदम पास में ही है तो चले गए कुछ नहीं। पुल से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इनको बता रही थी ऐसे शूट कर लो, बहुत अच्छा लग रहा था। वो दूर दूर से लोग आते हैं, एम्बुलेंस भी खड़े थे, सारी व्यवस्थाएं भी, पुलिस भी खड़ी थी, ये मेन गेट था। हम लोग थोड़ी देर तक रुके थे, 1 घंटे रुके होंगे बस, जितना बोली झूला झूला दो तो बहुत भीड़ थी, उधर जाना ही नहीं हो पाया, दूर से ही झूले हुए सब कुछ आए हुए थे, बाइक भी बहुत सारी खड़ी हुई थी, झूले हैं ये बच्चे झूल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम तो जितना वो झूला ही नहीं पाए। एम्बुलेंस की व्यवस्था है वहाँ पे, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, कोई किसी परेशानी ना हो जाए तो तुरंत लेके भी जा सकते हैं, है ना। और ये गेट है, मेन गेट है, यहीं से जाते हैं। एक 2 गेट बने हुए थे पर एक ही गेट से एंट्री हो रही थी, एक से बोल रहे थे उधर जाने का। पुलिस की व्यवस्था भी थी काफ़ी अच्छी, पुलिस लगी हुई थी, मतलब व्यवस्था सही हो जाती है पुलिस करने से। बाइक भी पुल के नीचे खड़ी हुई थी, काफ़ी सारी बाइकें थी, और हमने तो ये पहली बार देखा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई, भीड़ की वजह से आर्यन बोले चलो भाई ऊपर से अच्छे खासे स्टेज दिख रहा है, हमारे फ़ोन में एकदम क्लियर नहीं आता है, जितना कि लोगों में काफ़ी अच्छा क्लियर पड़ा हुआ है, ये आर्यन शूट करते रहते हैं, बड़ा शौक है ऐसे बड़ा करके दिखाने का, शूट करने का, हम कहीं जाते हैं तो इन्हीं को कैमरा पकड़ा देते हैं। और जब हम लोग पुल से नीचे आए तो ये लोग बोले तरबूज खाएंगे, ये पता नहीं मीठा छेना जैसा तरबूज होता है, अच्छा लगा इन लोगों को। रात हो गई है, हम लोग सारी दुकानें बंद हो गई, देखो हम लोग अभी उसी में घूम के आए हैं, महोत्सव से होके आए हैं, हमारे हम ही फोन से ले रहे हैं, हमारी वो आ रही है सेठ, मतलब मेरे फोन पकड़ लो, तुम ले लो देखो। और हम सारी दुकानें बंद हो गई, देखो काफी रात हो गई, आज चलते रहो। और लाइटें भी बंद हैं, हमें आर्यन है
ये शक्ल दिखा दे। सारी लाइटें बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई। वो भी खुले रोड पे। मैं अभी मेले में गई थी ना। किधर? फिरोजाबाद महोत्सव। चल अल्लाह भूल गया काम नहीं आता। महोत्सव में तो गए थे ना, किसी में गए थे? हाँ उसी में गए थे। फिरोजाबाद महोत्सव में गए थे और नए कड़े थे। अरे जो लेके आयो वो दिखाओ, कड़े मत दिखाओ। ये अच्छा लगा, इस पन्नी में पैक करके दिया था। बस जो जो तो दिखाने, पहले जैन मेला लगता था तो ये 250 का मिलता था, इस बार मुझे 150 का मिल गया तो हम लेके आए। अच्छा पापा पहुंच गए इसलिए लिप भी गया, नहीं तो हम लेते भी। अच्छा तो और हाँ फ्रेंड्स, पता है ये तो हम यहाँ ले, मतलब एक तो इसे क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो ये कंटेनर इधर, ठीक है। और हम और भी चीजें लेके आए, वो मेरे ब्लॉग पे है तो आप लोग वहां से व्यू कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बीच बीच में कर रहे हैं आरुण भैया पड़े हुए हैं। हमारे भैया हैं, तुम्हारा बेटा है। बेटा पड़ा हुआ है जी। तुमने सब कप अप के लिए डाल दिए और बाकी के जो चीजें हैं जो जित्सा के ब्लॉग में yes. है, मांडवी एंड जित्सा, उस चैनल पे भी जाइएगा yes. आप लोग। ओके फ्रेंड्स, ये कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए।